या हम उसमें से कुछ क्लॉज जो हैं वो हम विद्रॉ करें लाइक like अगर उसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं उसमें डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन है तो आइदर वी आर गोइंग टू सम पॉइंट्स आउट ऑफ दैट इनफॉर्म कंसेंट या हम पूरे का पूरा इनफॉर्म कंसेंट ही वेव ऑफ कर देंगे सो रिसर्च रेगुलेशन अलाउ फॉर वेवर और एन ऑल्ट्रेशन ऑफ एनी और ऑल एलिमेंट्स ऑफ कंसेंट प्रोवाइडेड एंड इफ फोर क्राइटेरियाज आर मेट So, we as a researcher personally ni decide kar sakte that either we are going to waive the complete uh, informed consent or either we are going to waive any of the certain conditions which are being provided into the informed consent. However, we can do that if the participant or the situation is going to meet the criteria which has four points. So, the four point criteria. Uh,

The second is the waiver or alteration will not adversely affect the rights and welfare of the participants. So since the beginning we have been talking about the welfare, the dignity, uh, the uh, benevolence and all these things. तो यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या हमारे participants जो हैं उनका कोई भी जो है वो right effect तो नहीं होगा या उनको अगर हम उनकी किसी welfare को तो effect नहीं करेंगे अगर हम उनसे कोई भी एक जो एलिमेंट ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट है वो हम विद्रॉ कर लें पार्टिसिपेंट्स डू हैव सर्टेन लीगल राइट्स एज वेल बीइंग पार्ट ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट्स टू प्रोटेक्ट दम फ्रॉम वेरियस हार्म फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स हैव लीगल राइट विद रिगार्ड टू द रिसर्च विद देयर स्कूल एज चिल्ड्रंस लाइक अगर स्कूल के बच्चों के साथ जाकर हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं और उनसे हम जो है वो इंफॉर्म परमिशन के थ्रू पेरेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर पेरेंट्स चाहें तो अपना लीगल राइट यूज़ करते हुए अपने बच्चे की अकडेमिक प्रॉब्लम्स के बारे में रिफ्यूज़ uh, कर सकते हैं कि वो नहीं बताना चाहते तो ऐसी सिचुएशन में हम uh, कोई सर्टेन क्लॉज जो है वो वेव कर सकते हैं अगर जो है वो पेरेंट्स अलाउ करते हैं अदरवाइज वी कॉन्ट कंडक्ट दैट रिसर्च देन द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द वेवर ऑफ इंफॉर्म कंसेंट द रिसर्च कोड नॉट पॉसिबली बी कैरिड आउट विदाउट द वेवर और ऑल्टरेशन Researcher will have to provide acceptable evidence to his or her institutional review board that securing consent is not feasible, regardless of cost and time. So, in only those situations where the researcher proved have you know very circumstances which can be explainable that can be foreseeable to the researcher, ki yaha consent. Nahin le sakte. Wahan par wo institutional review board ki permission se उस डाटा को कैरी कर सकते हैं गिविंग यू एन एग्ज़ाम्पल अगर हम कैंसर के फोर्थ स्टेज पेशेंट्स की बात करें इन हेल्थ साइकोलॉजी पीपल डू टेक डाटा फ्रॉम कैंसर पेशेंट्स और अगर अगर हम फोर्थ uh, स्टेज के कैंसर पेशेंट की बात करें तो उसकी हेल्थ कंडीशन ये अलाउ नहीं करती कि उससे हम इनफॉर्म कंसेंट ले सकें तो वहाँ पर प्रॉबेबली अगर हम कीमोथेरेपी के uh, साथ उसकी फिजिकल पेन को लिमिट करें हैं और हम उसको असेस करना चाह रहे हैं या उसकी जो कितनी uh, जो है वो टेस्ट या उसकी लैब्स में कितनी चेंजेस आ रही हैं लास्ट स्टेज पे वो हम इनफॉर्म कंसेंट के बगैर स्टडी कर सकते हैं बट अगेन कॉन्फिडेंशियलिटी वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच रिसर्चर कै नॉट रीच एट एनी स्टेज The fourth and the last point is that whenever appropriate the participants will be provided with

that what we have done what procedure we have followed and why we have done that and why we are going to do that to achieve what so this is called debriefing it's an opportunity to provide participants with information not disclosed during the initial consent process for example incomplete disclosure of purpose of research like hum agar shuru mein यंग uh, एडल्ट के साथ एक रिसर्च कर रहे हैं और हम उनकी स्वोक... स्मोकिंग हैबिट्स के बारे में उनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स के बारे में, में पूछ हैं और हम उन्हें कह रहे हैं हम आपका लाइफ देख रहे हैं वो आपको फ्रीली आंसर करें और रिसर्च खत्म होने के बाद आप उनको एक्सप्लेन करते हैं कि आप एक्चुअली उनकी कंजम्पशन देख रहे हैं जो वो अनहेल्दी फूड की लेते हैं तो दैट वुड बी द डीप ब्रीफिंग फॉर द सर्टन रिसर्च सो इन दीज फोर यू नो सर द वेवर ऑफ इंफॉर्म कंसेंट वुड बी पॉसिबल फॉर द रिसर्च टू डू